नमस्कार दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक ज्ञान यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डीडी फ्रीडिश का छतरी एल्टीना कैसे फिट करना है, इसके लिए पूरा वीडियो आप लोगों को सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल घंटी दिया है उस पर टच करना ना भूले। तो दोस्तों देख रहे हैं फ्रीडिश का एल्टीना है और इसका पूरा नट बोल्ट जितना मटेरियल है सारा आइटम इसमें दिया रहता है और बहुत अच्छा क्वालिटी का एल्टीना है और सिग्नल इसमें बहुत अच्छा खासा आता है। तो दोस्तों देख रहे हैं प्लास्टिक जो फाइबर होता है, फाइबर का जहाज चंद्रमा स्टैंड और LNB स्टैंड सारा मटेरियल इसमें दिया है। और इसको कैसे फिट करना है दोस्तों, देख रहे हैं जहाज इसको जो फाइबर है, बहुत सारे लोग इसको जहाज ही के नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों इसको पहले छोटा नट बोल्ट जो है, छोटा नट बोल्ट से इसको हम कस लेंगे और इस तरह से देख रहे हैं इसको नट बोल्ट से इसको छतरी को टाइट कर लेना है। और एल्टीना को कसने के बाद में देख रहे हैं चंद्रमा जो है, चंद्रमा को जो ऊपर साइड में है लॉक दिया है जो कि स्टैंड का पर्सन होता है, लास्ट वाला ऊपर वाला वो लॉक में फंस जाता है। दोस्तों देख रहे हैं इसको नट बोल्ट जितना दिया है सारा मटेरियल इसमें है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर फिट करेंगे जो कि बीच में फाइबर का गुली दिया रहता है लॉक होने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा वाला जो नट बोल्ट है, बड़ा वाला नट बोल्ट को इसमें हम कसेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर दो होल है और ठीक दोनों होल के बीचों बीच इस तरीके से हम इसको नट बोल्ट को कस लेंगे। और कसने के बाद में एक और नट बोल्ट है यहाँ पर भी, बड़ा वाला बोल्ट जो है, बड़ा वाला बोल्ट लेकर यहाँ पर जो होल है सामने देख रहे हैं, यहाँ पर होल है, होल में इसको बोल्ट को लगाकर इसको नट बोल्ट को टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद में जो ये स्टैंड है, स्टैंड को बाद में कसेंगे उसके बाद। उससे पहले दोस्तों ये होल्डर स्टैंड जो है, ये इसमें एक दोनों तरफ होल दिया रहता है स्क्रू कसने के लिए। तो दोस्तों इसको देख रहे हैं लंबा वाला जो स्क्रू है, लंबा वाला स्क्रू होल दिया रहता है होल के आसपास, दोस्तों इसको कस लेना है। इसको कस लिए, कसने के बाद में देख रहे हैं इसको हम कस लिए, उसके बाद में जो LNB होल्डर है, LNB होल्डर को कसेंगे और इसमें पहले एक स्क्रू हम फंसा लेंगे तब इसमें LNB लगा कर LNB को एक ही साथ में कसना है। तो दोस्तों देख रहे हैं पुराना LNB है जो कि आगे वाला कोवर है वो टूटा हुआ है और ये काम भी करेगा। बहुत सारे लोग हैं कि LNB आगे का जो फाइबर रहता है टूट जाता है, तो लोग कहते हैं कि LNB ख़राब हो गया, इसको बिक देते हैं, फेंक देते हैं। दोस्तों इसको कृपया कर LNB को फेंके ना, इसलिए कि LNB कभी ख़राब नहीं होता है और फ्रीक्वेंसी कम नहीं होता है। दोस्तों इसमें देख रहे हैं ऊपर में एक स्क्रू कसने के लिए यहाँ पर होल दिया रहता है, यहाँ पर स्क्रू कस लेंगे। उसके बाद में एक और यहाँ पर स्क्रू है और उसके बाद एक और है, तीन जगह यहाँ पर भी एक स्क्रू दिया है और यहाँ पर भी स्क्रू को कसकर इसको LNB को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में दोस्तों अब इसको हम जो स्टैंड है, स्टैंड को हम इसमें दो नट बोल्ट दिया है और इसको भी हम उसी तरह से कस लेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों ये नट बोल्ट को, हम दोनों नट बोल्ट को कस लिए हैं। कसने के बाद इसको साइज में करके इसको पूरा टाइट कर लेना है ताकि एक पट दीवार के लिए दूसरा स्टैंड सामने जो ऊपर वाला पर्सन रहता है खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों सामने जब कसिएगा तो इसको थोड़ा सा बेंड होना चाहिए। तो दोस्तों देख रहे हैं ये दीवार के लिए ऐसे है और आपको जो कि
ऊपर दीवार के लिए वैसे होगा, और इसको हम दीवार में नहीं कसेंगे। और देख रहे यहाँ पर हम जो दीवार के ठीक ऊपर साइड में इसको कस रहे हैं। तो दोस्तों पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रू से या कोई भी चीज़ ले इसको दागी ले लेंगे, इसलिए कि चार होल है और ड्रिल मशीन से हम होल करेंगे। होल करने के बाद में दोस्तों इसमें फाइबर का गुली दिया रहता है, जो प्लास्टिक का पेंच रहता है, इसमें देकर स्क्रू से कसना है। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर दागे दिए हैं, चार जगह दागी दे लिए हैं हम, और यहाँ पर ड्रिल मशीन से इसको ड्रिल कर लेंगे। और चारों जगह ड्रिल करने के बाद में इसमें प्लास्टिक का जो पेंच दिया है, प्लास्टिक का पेंच इसमें लगा लेंगे, ताकि जो स्क्रू कसेंगे वो लंबा समय तक चलेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं इस तरह से गुली को अंदर पहले लगा लेना है, और तब इसके बाद में ऊपर से स्क्रू कसना है, और इसमें 10 नंबर का रिंच लगता है दोस्तों, और चारों जगह इसी तरह से पूरा हार्डली टाइट कर लेना है, जितना हो सके आप टाइट कर ले, ताकि जो मेरा एल्टीना है, एल्टीना हाले हिले ना और ज़्यादा परेशानी ना हो। इसलिए दोस्तों इसको देख रहे हैं, इसको जो ऊपर वाला पर्सन है खाड़ होना चाहिए, दीवार में लगे तब भी खाड़ होना चाहिए, और ऊपर दीवार में लगाए तो भी खाड़ होना चाहिए। तो दोस्तों देख रहे हैं इस तरीके से इसमें हम स्टैंड है, स्टैंड को एल्टीना में लगा लेंगे, एल्टीना को। और यहाँ पर दो नट बोल्ट दिया रहता है, और जो दोनों होल है, दोनों होल में नट बोल्ट को हम पूरा अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर एक और है, इसमें दो नट बोल्ट दिया है, दोनों नट बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में छोटा सा हम एल्टीना केबल लिए हैं, और एल्टीना केबल का एक जो सिरा है इसमें LNB में लगाएंगे, और दूसरा जो सिरा है रिसीवर में लगाएंगे, जो कि इसमें बहुत पुराना कंपनी का ये रिसीवर है। दोस्तों देख रहे हैं इसका ये सेटेलाइट जो है, सेटेलाइट भी लगाकर मशीन से हम एल्टीना सेटिंग कर सकते थे फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम इसे और आसानी से हम जो रिसीवर है रिसीवर से मिला लेंगे। जो हम छोटा सा केबल लिए हैं एल्टीना केबल, एक वाला तो LNB में कस दिए हैं, और दूसरा वाला यहाँ रिसीवर में हम कस लेंगे। कसने के बाद में देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट बता रहा है, जो ग्रीन कलर का यहाँ पर पॉइंट है, और इसको एक पॉइंट को हम 10% मानेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट बतला रहा है दोस्तों, इस तरह से दाएं बाएं ऊपर नीचे हल्का घुमाकर इसको एल्टीना को हम सेट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा सिग्नल आएगा इससे। और ये बहुत पुराना कंपनी का है, जो कि बीटल कंपनी का रिसीवर है, ऐसा यदि मार्केट में मिल जाए तो बहुत बेहतर है। और देख रहे हैं यहाँ पर पूरा जितना ग्रीन कलर का पट्टी दे रहा है पूरा फूल का फूल है, और हमारा सिग्नल अच्छा खासा मिल रहा है यहाँ पर, 60, 70 से ऊपर है सिग्नल। तो दोस्तों इस तरह से छतरी को, जो मेरा एल्टीना है, एल्टीना को ऊपर नीचे कर कर और दाएं बाएं करके इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद में जितना नट बोल्ट है सारा नट बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे, एक हाथ ले एल्टीना को धरे रहेंगे और दूसरे हाथ ले जितने नट बोल्ट हैं नट बोल्ट को टाइट कर लेना है। और देख रहे हैं किस तरीके से टाइट कर रहे हैं, और एक हाथ से एल्टीना भी पकड़े हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं तो कृपया कर मेरे इस चैनल को लाइक एक ज़रूर कर दीजिए। और देख रहे हैं ऊपर से जो नट बोल्ट है, ऊपर का नट बोल्ट हम चंद्रमा वाला जो जहाज जिसको बोलते हैं, पूरे नट बोल्ट को
हार्ड कर लिए, टाइट कर लिए, और कसने के बाद में ऊपर वाला नट बोल्ट टाइट करने के बाद में जो नीचे वाला स्टैंड का नट बोल्ट है इसको भी टाइट कर लेंगे, और पूरा जितना हो सके उतना टाइट कर लेना है। और देख रहे हैं सेटेलाइट जो है, सेटेलाइट मशीन, इसे भी मिला सकते थे। तो दोस्तों इससे हम ना मिलाकर केवल रिसीवर से मिला लेंगे, और ये आप खरीदिएगा मार्केट में तो लमसम 250-300 के आसपास मिलेगा, और उससे बेहतर होगा कि आपको ये पुराना जो रिसीवर मिल जाए मार्केट में तो बहुत अच्छा है, और सिग्नल भी बहुत अच्छा खासा देता है, इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप लोगों का एक और बात बतलाना चाहता हूँ, अगर सिग्नल कम आ रहा है फिर भी सिग्नल कम रहता है, जो एलियन भी देख रहे हैं, एलियन भी को हल्का सा तिरछा कर लेना है, और तिरछा कीजिएगा तो एकदम गारंटी है कि 10-20 पॉइंट और बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद में देख रहे हैं रेटिना का जो नीचे वाला केबल आया हुआ है इसको भी हम कस लिए। कसने के बाद में दोस्तों अब नीचे चल के देखते हैं कि मेरा सिग्नल कितना आ रहा है। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ तो टीवी को ऑन करके देखते हैं, देखते हैं यहाँ पर भी सिग्नल देख रहे हैं बहुत अच्छा खासा आ रहा है, जो कि सिग्नल क्वालिटी है। यहाँ पर 50 लोग ऊपर बतला। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से नए वीडियो लाते रहेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।